और वो पूरा विश्व उस दिन यहाँ आना चाहता है ये जानने के लिए कि ये जो हम सुन रहे हैं क्या ये संभव है ऐसा होना। आज जो ऊर्जा है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है हम सब के बीच में, वही शायद विश्व के और देशों को भी लुभा रही है यहाँ आने के लिए। जय श्री राम मित्रों, रामानंद सागर नी सीरियल रामायण में रामनु पात्र भजवनार अरुण गोविल, माता सीतानु पात्र भजवनार दीपिका चिखलिया अने लक्ष्मणनु पात्र भजवनार सुनील लहरी अयोध्या पहुंचा था। तेओ त्यां हमारे राम आएंगे एल्बम ना शूटिंग में भाग लेसे। तो भाई आपणे पहलेथी जेमने राम तरीके ओळखीए छीए ते राम अने सीता माता रामलालाना प्राण प्रतिष्ठा समारोहमां भाग लेवा माटे पहोंची गया छे अयोध्या। मीडिया साथे वात करता अरुण गोविले जणाव्युं के अयोध्यानुं राम मंदिर आपणी आस्थानुं केन्द्र छे अने ते आपणुं गौरव हशे। हमारा ये गौरव होगा, हमारी पहचान बनेगी इस विश्व में, और जो हमारे मॉरल्स हैं जो सभी को अपनाने चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में हो रही है और मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि ये जो राम मंदिर है ये हमारा राष्ट्र मंदिर साबित होगा। पूरे विश्व में वो संस्कृति जो पीछे थोड़े कुछ वर्षों में थोड़ी धूमिल हो गई थी, वो फिर से एक संदेश जाएगा। पूरे जो हमारी विरासत है ये संस्कृति, ये पूरे विश्व को पता लगेगी। ये मंदिर हमारा प्रेरणा स्रोत होगा। तो हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। तो भाई अयोध्या में आपने जेमने बालपण थी राम तरीके ओळखीए छीए तेवा राम अने सीता माता અને લક્ષ્મણ બધા જ કલાકારોનું આગમન થઈ ગયું છે અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં બધા લોકો ભાગ લેવા માટે આવી ગયા છે। તો ભાઈ એક લાઈક આપણા રામાયણના રામ આપણે મોટા થયા ત્યાં સુધી જે રામને આપણે ઓળખીએ છીએ એમના માટે। આપકો સમજતા હું કે ઇસ તરહ કા મુજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મેં આને કા મોકા મિલ રહા હૈ ઓર બહોત કુછ જો મેં નહીં જાનતા થા ઉસકો જાનને કા ભી મુજે અવસર મિલ રહા હૈ। और जो मैं समझता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा है या जो माहौल बना हुआ है इस समय, बहुत धार्मिक है, बहुत सकारात्मक है और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा और डेफिनेटली वो सकारात्मकता जो है वो विश्व में ब्याज करने रामायण मोटे अरुण गोविल अभी तो किसी की आवश्यकता नहीं लगती मुझे कोई भी। उसके बाद बहुत सी बनी है, तमाम रामायण आई, लेकिन उस तरह की बनी आपको लगता है बननी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो है ऑलरेडी तो दूसरी की आवश्यकता क्या है? जब वो अपने आप में कोई चीज पूरी है, संपूर्ण है, तो क्यों दूसरी बनाई जाए? और जिस दिन किसी को लगेगा तो वो बनाएगा, फिर से कोशिश करेगा कुछ। अब कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है वो तो राम जी जाने, वो व्यक्ति जाने। तो भाई वीडियो ने एक लाइक जरूर कर दो।